नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूके वीडियो वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन के 10 ऑफबीट डेस्टिनेशंस के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। पंगोट नैनीताल। पंगोट एक छोटा सा हिमालयी गाँव जो नैनीताल से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं, पक्षी प्रेमी हैं, तो फिर ये जगह आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप 250 से भी ज़्यादा प्रवासी और देसी पक्षियों की प्रजातियों को देख सकते हैं। पंगोट को पक्षी प्रेमियों के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। पंगोट में वर्ष भर में आप किसी भी मंथ में जा सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ जाने के लिए सबसे उपयुक्त टाइम हम देखें तो वो मार्च से जुलाई के बीच का होता है। और पंगोट गांव की ओर जाने वाली जो सड़क है, वहां से गुजरते टाइम जो टूरिस्ट होते हैं वो नैना पीक, स्नो पीक और किलबरी पक्षी अभयारण्य को भी देख सकते हैं। अबॉट माउंट लोहाघाट। अबॉट माउंट उत्तराखंड के चंपावत जिले में स्थित है और लोहाघाट से ये लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है। माउंट अबॉट की स्थापना जॉन हेरोल्ड अबॉट नाम के एक अंग्रेजी व्यवसायी ने की थी और उसी के नाम पर इस स्थान का नाम माउंट अबॉट रखा गया। इसकी स्थापना जो है वो 20वीं शताब्दी में की गई थी और ये विश्व भर में अपने अनूठे सौंदर्य के लिए काफी प्रसिद्ध है। माउंट अबॉट घने जंगलों के बीच में स्थित है और वर्तमान में आपको उस समय की तकरीबन 16 पुरानी हवेलियां जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और माउंट अबॉट से नंदा देवी, नंदा घूम, मैकतोली जैसे 600 किलोमीटर लंबे जो हिमालय की चोटियां हैं उन्हें जो है आसानी से देखा जा सकता है। इसके अलावा यहां पर पर्यटक फिशिंग, फोटोग्राफी और ट्रैकिंग का आनंद भी ले सकते हैं। चौकोरी पिथौरागढ़। चौकोरी एक शानदार हिल स्टेशन है जहाँ पर आप प्राकृतिक खूबसूरती का आनंद उठा सकते हैं और साथ ही कई सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। चौकोरी समुद्र तल से लगभग 2010 मीटर की ऊंचाई पर है और यहाँ पर आपको हरे भरे बागों के साथ चाय के बागान भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से सूर्योदय का नज़ारा देखना बहुत दिलचस्प होता है। ये स्थान हिमालय पहाड़ियों के साथ साथ हरी भरी वनस्पतियों से भी घिरा हुआ है, तो यहाँ पर नेचर वॉक करने का आप अनुभव ले सकते हैं। पहाड़ियों, बर्फ से ढकी चोटियों और हरे भरे जंगलों के बीच नेचर वॉक करना वाकई में आपके लिए एक शानदार अनुभव साबित हो। इसके अलावा ये स्थान फोटोग्राफी के लिए भी काफी अच्छा है। यहाँ से आपको नंदा देवी, नंदाकोट, चौखंबा और पंचकुला पहाड़ियों के विहंगम दृश्य देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा जो चौकोर गांव है वहाँ पर भी आप भ्रमण कर सकते हैं। अगर आप कुमाऊनी कला, वहाँ की संस्कृति और परंपराओं को समझना चाहते हैं, करीब से देखना चाहते हैं, तो फिर आपको चौकोर गांव का भ्रमण ज़रूर करना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पे कई सारे धार्मिक स्थल भी मौजूद हैं, जैसे कि आप यहाँ कपिलेश्वर महादेव मंदिर है उसका दर्शन कर सकते हैं। वो आपके पिथौरागढ़ की सौर घाटी में है और ये जो मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित है और 10 मीटर अंधेरी गुफा के अंदर ये स्थित है। और इसके अलावा गंगोली हाट में महाकाली मंदिर है, वहाँ पर भी आप दर्शन के लिए जा सकते हैं। और चौकोरी में आने का सबसे जो आदर्श समय है वो अप्रैल से जून के बीच का होता है। पेओरा नैनीताल। हिमालय की गोद में बसा पेओरा उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित एक छोटा सा गांव है जो कि 6600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और ये गांव आपका मुक्तेश्वर से लगभग 10 किलोमीटर की और अल्मोड़ा से 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस गांव की जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो देखने लायक है। पेओरा आपका नैनीताल और अल्मोड़ा के बीच पड़ता है और ये हिमालय की जो खूबसूरत चोटियां हैं और घने जंगल हैं उनसे घिरा हुआ है। यहाँ छिपते हुए सूरज का नज़ारा देखना अलग होता है और देवदार, काफल, ओक और बुरास के पेड़ों से घिरा ये गांव किसी जन्नत से कम नहीं लगता। इसके अलावा यहाँ पर कई सारे फल जैसे सेब हो गया, बुखानी हो गया, आड़ू काफ़ी मात्रा में होते हैं। और इन सब चीज़ों के अलावा पेओरा अपने हर्बल प्रोडक्ट्स के लिए काफ़ी मशहूर है। यहाँ की लोकल हर्बल फैक्ट्री से आप भी हर्बल प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। साथ ही पेओरा की जो पगडंडियाँ हैं वहाँ पर चलने का अनुभव आप ले सकते हैं। इसके अलावा जंगली फूल हैं,
पक्षी हैं, पौधे हैं, उनकी तस्वीरें ले सकते हैं। फोटोग्राफी करने के लिए भी ये काफी अच्छा स्थान है। ज्योलिकोट नैनीताल 1219 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह हिल स्टेशन नैनी झील का गेटवे कहलाता है। नैनीताल शहर से इसकी दूरी लगभग 17 किलोमीटर है और जब आप ज्योलिकोट जाएं तो आप वहां का बी ब्रीडिंग सेंटर घूमकर शहद निकालने की कला को भी देख सकते हैं। और ये शहर ताजे फल और शुद्ध शहद के लिए जाना जाता है। यहाँ पर आपको कीवी, जैतून, स्ट्रॉबेरी के फल और फूलों का शुद्ध शहद सही दामों पर जो है मिल जाएगा। और ज्योलिकोट आने का अगर आदर्श टाइम देखें तो वो मार्च से अक्टूबर तक का होता है। और अगर आप नेचर लवर हैं और प्रकृति के करीब जाकर कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो फिर ज्योलिकोट आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। फोटोग्राफी के शौकीन लोग भी यहाँ पर आकर्षक जो पहाड़ी दृश्य हैं उन्हें अपने कैमरे में हमेशा के लिए कैद कर सकते हैं। खाती बागेश्वर। खाती कुमाऊं क्षेत्र के पिंडारी और कफनी ग्लेशियर के पास बसा हुआ आखिरी गांव है। ये गांव पिंडारी नदी के तट पर स्थित अछूता और दर्शनीय गांव है। पिंडारी ग्लेशियर से पहले बसा हुआ आखिरी गांव है, इस वजह से इसका आज तक व्यवसायीकरण भी नहीं किया गया है और इसे उत्तराखंड के ऑफबीट पर्यटन के स्थानों में गिना जाता है। साइकिल चलाने, माउंटेन बाइकिंग और प्रकृति की सैर करने के लिए ये स्थान काफी लोकप्रिय है। शीतला खेत रानी खेत। उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले में स्थित शीतला खेत एक हिल स्टेशन है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 1900 मीटर है और रानी खेत से ये 24 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ क्षेत्र है। प्रकृति की छांव में बसा यह हिल स्टेशन बेहद खूबसूरत है और इस हिल स्टेशन को अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। प्रकृति की गोद में बसा यह हिल स्टेशन पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। शीतला खेत काफी शांत और खूबसूरत है। यहाँ पर आप हिमालय की सुंदर चोटियों का नजारा देख सकते हैं। यहाँ पर लोगों का कोलाहल और भीड़भाड़ काफी कम है और जब यहाँ पर इंसान जाता है तो वो सच में अपने आप को प्रकृति के काफी निकट पाता है और हर तरफ फैली हरियाली शांति का अनुभव देती है। साथ ही यहाँ के प्राचीन मंदिर हमें इतिहास और आस्था से जोड़ते हैं। ये जगह उन लोगों के लिए भी किसी स्वर्ग से कम नहीं है जो शहरी जीवन से ऊब चुके हैं और कुछ समय शांत वातावरण में बिताना चाहते हैं। शीतला खेत में आप ट्रैकिंग, हाइकिंग, कैंपिंग भी कर सकते हैं और साथ ही फोटोग्राफी करने और पिकनिक मनाने के लिए भी ये एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। लोहाघाट चंपावत। उत्तराखंड राज्य के चंपावत जिले से 14 किलोमीटर दूर लोहावती नदी के किनारे बसा हुआ एक ऐतिहासिक शहर है लोहाघाट। शांत जलवायु, हरे भरे देवदार और ओक के जंगल से घिरा लोहाघाट बेहद खूबसूरत है। लोहाघाट का एक विशाल ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है जो इसे पर्यटकों के लिए काफी अच्छा स्थान बनाता है। ये स्थान मंदिरों के लिए काफी मशहूर है। यहाँ पर आकर आप पुराने मंदिरों का भ्रमण कर सकते हैं जहाँ हिंदू धर्म के विभिन्न त्योहारों को पारंपरिक तरीके और धूमधाम से मनाया जाता है। होली और जन्माष्टमी के दिन यहाँ पर भारी संख्या में पर्यटक पहुँचते हैं। साथ ही आप यहाँ के खादी बाजार से खरीदारी भी कर सकते हैं और पास में स्थित गलचौरा का भ्रमण भी कर सकते हैं। लोहाघाट में बग्वाल की लड़ाई काफी प्रसिद्ध है जो रक्षाबंधन के दिन माँ बाराही मंदिर देवीधुरा के प्रांगण में आयोजित की जाती है। लोहाघाट के सौंदर्य का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक बार नैनीताल के खोजकर्ता पीटर बैरन जब यहाँ आए तो उन्होंने ये कहा कि कश्मीर क्यों जाया जाए, अगर इस दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो वो यहाँ लोहाघाट में है। लोहाघाट के आसपास आपको और भी टूरिस्ट स्पॉट देखने को मिल जाएंगे जैसे कि श्यामला ताल, देवीधुरा, गुरुद्वारा रीठा साहिब, अबॉट माउंट, बाणासुर का किला, मायावती या अद्वैत आश्रम और फोर्टी विलेज। साथ ही यहाँ पर आप कैंपिंग और नेचर वॉक का अनुभव भी ले सकते हैं। मुक्तेश्वर नैनीताल। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित मुक्तेश्वर सबसे सुंदर स्थानों में से एक गिना जाता है। ये समुद्र तल से 2286 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस स्थान का नाम हिंदू भगवान शिव को समर्पित 350 साल पुराने मंदिर के नाम पर पड़ा है जो कि मुक्तेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव
अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करते हैं। मुक्तेश्वर एक हिल स्टेशन है जो ओक और देवदार के सदाबहार जंगलों से ढका हुआ है। मुक्तेश्वर से आप नंदा देवी, नंदकूट, नंदा गुंटी, त्रिशूल और पंचाचुली जैसी चोटियों को साफ तौर पर देख सकते हैं। और मुक्तेश्वर को ब्रिटिशर्स ने 1893 में अनुसंधान और शिक्षा संस्थान के रूप में विकसित किया था। मुक्तेश्वर में जाकर आप एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसे रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग का आनंद भी ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पर पैराग्लाइडिंग भी की जाती है और ट्रैकिंग और हाइकिंग के लिए भी मुक्तेश्वर अच्छा स्पॉट है। और मुक्तेश्वर देवदार के घने जंगलों से घिरा हुआ है, तो यहाँ कैंपिंग के लिए भी एक अच्छा स्थान है ये, जहाँ पर आप नेचर के करीब रहकर अपना क्वालिटी टाइम जो है स्पेंड कर सकते हैं। इसके अलावा मुक्तेश्वर के नज़दीक काफ़ी सारे टूरिस्ट स्पॉट भी हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं, जैसे कि सीतला नाम का एक सुंदर सा हिल स्टेशन है जो कि बांज और चीड़ के घने जंगलों से घिरा हुआ है। उसके अलावा वहाँ पे 100 साल से भी पुराना एक ब्रिटिश बंगला आज भी मौजूद है। और ये जो स्थान है वो अपने सुंदर और प्राकृतिक परिवेश के कारण लोगों को आकर्षित करता है। साथ ही रिजॉर्ट्स के द्वारा आयोजित जो ट्रैकिंग अभियान होता है उसमें भी आप यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। मानिला रानीखेत, रानीखेत से लगभग 86 किलोमीटर की दूरी पर मानिला एक गाँव है जो कि बेहद खूबसूरत है। और वहाँ से आप त्रिशूल, पंचाचुली, नंदा देवी की चोटियों का मनोरम दृश्य देख सकते हैं। वहाँ से सनराइज और सनसेट देखने का जो दृश्य है वो काफ़ी अद्भुत होता है। और साथ ही आपको यहाँ पर एक सुख शांति की अनुभूति भी होगी। उसके अलावा आप मानिला मंदिर में दर्शन के लिए भी जा सकते हैं। ये जो स्थल है वो माँ मानिला मंदिर के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ये मंदिर कत्यूरी लोगों की पारिवारिक देवी माँ मानिला का मंदिर है। और ये जो स्थान है वो देवदार, चीड़ और बांज के वृक्षों से घिरा हुआ है। और मानिला आने के लिए सबसे जो उपयुक्त टाइम है वो अक्टूबर से जून तक के महीनों के बीच है। ये थे उत्तराखंड कुमाऊं के कुछ ऑफबीट डेस्टिनेशंस। तो आप भी अगर शहर से दूर कहीं शांति में, एकांत में कुछ टाइम अकेले बिताना चाहते हैं तो ज़रूर आपको इन डेस्टिनेशंस में जाना चाहिए। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमारे चैनल यूके वीडियो वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।